आप कहाँ जा रहे हो? जय श्री राम, मैं जा रही हूँ मुंबई टू अयोध्या पैदल यात्रा करने। पैदल चल गए? यस। और मेरा नाम है शबनम शेख और एक मैं भारतीय सनातनी मुसलमान। माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। हर 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 महादेव। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है शबनम शेख और मैं मुंबई से अयोध्या पैदल जा रही हूँ राम जी की नगरी में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अब जिस तरह राम मंदिर की इफ्तिताह नजदीक आ रही है, मुसलमानों का एक तबका भी अपने आप को राम भक्त साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है। नए नए नमूने बाहर आ रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, इनका नमाज रोजा से कुछ ताल्लुक तो रहता नहीं है, लेकिन अपने आप को सनातनी मुसलमान साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। पर अब मुसलमान बनकर बड़े राम भक्त होते हुए मकबूलियत बटोरने की भी कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं और इसी के जरिए से कुछ रुपया भी कमाना चाहते हैं। कुछ तो अपने आप को अच्छे मुसलमान बनने का ढोंग करते हैं तो कुछ अपने आप को मुसलमान होकर सनातनी होने का दावा भी कर रहे हैं। दरअसल इस लड़की पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, पर कुछ लोगों ने इस पर वीडियो बनाई ताकि इसे देखकर और भी कुछ लोगों के अंदर की भक्ति बाहर आ सकती है। खैर, इस लड़की का नाम है शबनम शेख और इस तरह के कई नमूने बाहर निकलते हुए देखने को मिल रहा है। पर आज सिर्फ इसी पर बात करते हैं। यह मुंबई से अयोध्या पैदल चली जा रही है। इसने पीठ पर एक बैग लटकाया हुआ है और एक झंडा भी है और एक पीछे इश्तेहार भी है और झंडे पर हनुमान की तस्वीर है, जिसे ये अपने आप को हनुमान भक्त कहती हुई देखने को मिल रहा है। खैर, हर किसी को अपनी सोच के मुताबिक इस मुल्क में जीने का अधिकार है, हक है और भारत का संविधान भी इसका हक देता है। लेकिन जो थोड़ी बहुत आजादी संविधान ने दी है, इसी का फायदा उठाकर एक समाज को बदनाम करने की गोया तहरीक ही कुछ लोगों ने छेड़ी हुई है। वैसे तो RSS, बजरंग दल, VHP जैसे हिंदुत्व तंजीम में पहले से ही मुसलमानों को निशाना बनाते आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ मुसलमानों में से ही लोग निकल रहे हैं। अब कुछ नाम निहाद मुसलमानों ने भारत में शुरू की है इस तरह की तहरीक और ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे मकबूलियत तो आसानी से मिलती है और रुपया भी मिलता है। वैसे भी मुसलमानों को बदनाम करने की तहरीक भाजपा, RSS या संघी विचारधारा के लोगों ने एक जमाने से शुरू की हुई है और जाहिर है कयामत के करीब तो ऐसे लोगों की पहचान भी जरूरी हो जाती है। खुद ब खुद इस तरह के अफराद अपनी पहचान दिखा रहे हैं। खैर, शबनम शेख तकरीबन 25 दिनों से अयोध्या पैदल निकली हुई है। हमें इस पर एतराज नहीं है, लेकिन इसके दो चेहरे सामने आ रहे हैं। अब इसका इस्तकबाल भी किया जा रहा है और माथे पर तिलक भी लगा रही है। खैर, ये शबनम शेख की हकीकत धीरे धीरे सामने आ रही है। दरअसल इसकी अगर तारीख उठाकर देखी जाए तो ये कभी हिजाब पहनती ही नहीं और जब भी इस तरह की नौटंकी करनी होती है, अपने आप को हिजाबी लड़की और सनातनी मुसलमान कहते हुए जो भी मिल सकता है बटोरते हुए निकली हुई है। जाहिर है मीडिया भी इसी फिराक में रहती है और बड़ा चढ़ा कर इसे पेश भी कर रही है। इसके कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें यह अदनंगी होकर नाच रही है और इसी सोचो फिक्र के होने की बात कही जा रही है। भगवा रंग का हिजाब, कभी तिलक लगाकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रही है। अपने आप को भारतीय सनातनी मुसलमान का एक नया लेवल इसने अपने आप पर चस्पा किया हुआ है ताकि हिंदुओं की भरपूर मदद इसे हासिल हो जाए और हासिल हो भी रही है। भीड़ भी बढ़ रही है। हो सकता है कि इसी के वो चाहने वाले हों और अपने मकसद में वो कामयाब भी होती नजर आ रही है। खैर, इसे नफरती गिरोह कितनी मदद कर रहे हैं इससे हमें कुछ लेना देना भी नहीं है। आज इस वीडियो को बनाने के पीछे यही मकसद है कि इस तरह के अपने आप को मुसलमान साबित करते हुए और मुसलमानों को ही भला बुरा कहते हुए, मुसलमानों से नफरत जहर उगलते हुए अक्सरियत हिंदुओं की हिमायत हासिल करती हुई निकली हुई तरह के रोज नए नए मॉडल अब बाहर भी आ रहे हैं और अच्छा है, बाहर आना भी चाहिए क्योंकि इनकी पहचान भी तो जरूरी है। और अक्सरियत हिंदुओं को भी समझना चाहिए कि इस तरह के नौटंकीबाज बाजारों में काफी आए हुए हैं। इन्हें यानी कि अक्सरियत हिंदुओं को लगता है कि एक हिजाब वाली लड़की अपने आप को सनातनी हिंदुओं की तरह अपने आप को सनातनी मुसलमान कह रही है, मतलब कितनी बड़ी जीत है। पर ऐसा कुछ है नहीं। समाज में इस तरह की नौटंकी करने वाले अब काफी हो चुके हैं और इसे वैसे भी मुसलमान नजदीक नहीं करते क्योंकि इसके कई ऐसे वीडियोज भी वायरल हुए हैं जिसमें ये
शबनम शेख अजनंगी होकर बाजारों घरों में नाचती हुई नजर आ रही है। इस तरह की एक और नौटंकीबाज है जो अपने आप को सैयद भी कहते हैं और वो है डॉक्टर सईद रिजवान। ये अपने आप को सैयद मुसलमान कहते हुए मुसलमान इस्लाम पर हमेशा जहर उगलता है। पता नहीं ऐसे लोगों के माँ बाप कौन होते हैं। खैर, अब मुसलमानों को गाली देने से अक्सरियत हिंदुओं में मुकाम दौलत मर्तबा आसानी से हासिल किया जा सकता है, ऐसा एक नया ट्रेंड चला हुआ है। लिहाजा इस कमी ने डॉक्टर रिजवान सईद के काफी गैर मुस्लिम फॉलोअर्स है। इसे मुसलमान तो कोई देखता नहीं है, अब पूरे देश में राम मंदिर को लेकर माहौल बनाया जा रहा है। और अगर इस दौर को लेकर देखा जाए तो कई पेशगोईयां इससे पहले फरमाई गई है। कुछ खुद आरएसएस के लोग भी टोपी पहनकर मुसलमान होने का ढोंग करते हैं और कई सारे खबरों को आप गूगल के जरिए तलाश सकते हैं। कई सारे मामले सामने भी आ चुके हैं, आ भी रहे। खैर, मुसलमानों की तरह दिखने वाले कुछ फिरके हैं जो अपने आप को मुसलमानों से अलग होने की बात करते हुए कहीं पर भी किसी भी जगह पर सर झुकाते हुए नजर आते हैं। लोगों को क्या लगता है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस तरह की राह पर चल पड़ा है। इस तरह की तस्वीरों को देखकर कुछ लोगों का ईमान डगमगा भी जाता है, पर इम्तिहान यहीं पर है। आप अपने ईमान की हिफाजत किस तरह करते हो और इस दौर फितर में कैसे कामयाब होकर उस पर जमे रहते हो, यही तो असल है। आखिर क्या क्या नहीं बताया हमारे नबी ने। अभी भी बहुत कुछ होना है, अभी बहुत कुछ देखना है। मेरे नबी ने फरमाया कि कोसों दूर एक मुसलमान नजर आएगा, मतलब कयामत के करीब करीब कोसों दूर एक मुसलमान नजर आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सब मर जाएंगे, पर होंगे, वो जिंदा होंगे। मुसलमानों की कसरत होगी, पर ईमान की दौलत को बचाना भी तो सबकी बस की बात नहीं। भारत एक अजीम सरजमीन है, यहाँ मुगलों की हजार साल की तारीख रही। आज बाबर को गालियां दी जाती है, पर बाबर ने अपने बेटे को जो नसीहत की थी वो भी काबिले गौर है। उन्होंने कहा था कि भारत की हिंदू तहजीब का जिक्र करते हुए दिगर तहजीबों से नफरत नहीं करना चाहिए, और इसी पर वो कायम भी रहा। खैर, जो खुद तारीख नहीं लिख पाते वो दूसरों की तारीख को मिटाने की कोशिश करते रहते हैं। लिहाजा शबनम शेख के नाम की खातून फिलहाल सोशल मीडिया पर सस्ती मकबूलियत बटोरते हुए मुसलमानों को बदनाम भी कर रही है। इसी तरह से मुख्तलिफ अफराद डर खौफ की वजह से चापलूस इख्तियार करते हुए देखने को मिल भी रहा है, जिस पर बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत नहीं है, ये भी उतना ही अहम है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।